दोस्तों मम्मी के किचन में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं आलू और सोयाबीन की सब्जी। हमने सोयाबीन को 2 मिनट पानी में भिगो दिया था, गर्म पानी में, बहुत जल्दी भी खुल जाता है। आलू उबाल लिए, अब देखिए हम इसे बनाते हैं। हम सोयाबीन भून लेते हैं। देखिए तेल में हमने सोयाबीन भून लिया। देखिए सोयाबीन भून रहे हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, हल्का डालिए। देखिए गोल्डन कलर का थोड़ा बहुत भूनेंगे। इसमें सोयाबीन कितना अच्छे से भून गया, गोल्डन कलर का हो गया, तेल भी खूब आ गया। अब हम इसे निकाल लेते हैं। आलू को इस तरह से फोड़ लीजिए, चाहे आप जैसे चाकू से भी काट सकते हो, ऐसे ऐसे थोड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया, अभी गर्म भी हो गया। अब हम इसमें डालते हैं, हम तेज पत्ता डाल रहे हैं, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, ये जो गोल्डन हो गया। अब हम इसमें टमाटर डाल देते हैं। टमाटर का थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि मसाला जले ना, टमाटर भी जल जाएगा अच्छे से। नमक स्वाद अनुसार डालिए, जैसे आप खाने तेज हल्का उस हिसाब से डालिए। हल्दी 2 चम्मच, 2 चम्मच लाल मिर्च, आप जैसे खाते उस हिसाब से डालिए। लगेंगे गर्म मसाला डाल दिया, मैंने एवरेज कर लिया गर्म मसाला, देखिए थोड़ा सा। ये देखिए हमारा मसाला भून गया, हो गया, टमाटर भी गल गया, हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो गया। और इसके लिए सोयाबीन और आलू डाल देते हैं। ये सोयाबीन, अब ये आलू डाल देते हैं, अच्छे से मिलाइए। ये देखिए अच्छे से बनेगा। अब हम इसके अंदर ग्रेवी के लिए पानी डाल देते हैं। बस ये देखिए हमारी सोयाबीन की ग्रेवी वाली रसेदार सब्जी बनके तैयार हो गई। आप खाइए चावल के साथ, रोटी के साथ, जैसे मुझे वैसे अच्छा खाइए। ये देखिए हमारे सब्जी बनके तैयार हो गई। देखिए कितनी बढ़िया कलर, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, एकदम चिकन की खुशबू आ रही है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कॉमेंट करिए। प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिए।